अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदपुर के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को ब्लॉक फरीदपुर से स्टेशन रोड चुंगी तक नारेबाजी करते हुए महाराष्ट्र सरकार व प्रशासन का पुतला फूंका व वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की बिना वारंट अवैध गिरफ्तारी करने के प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति रोष व्यक्त किया है। एबीपी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बिना सूचना व वारंट के गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने अर्णव गोस्वामी को शीघ्र रिहाई करने हेतु मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अर्णव गोस्वामी की शीघ्र रिहाई ना हुई विद्यार्थी परिषद और कड़े कदम उठाएगी। सरदार जी ट्रेडर्स होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर मेगा शॉप ए हाउस ऑफ ब्रांडेड फैंसी फायरवर्क्स कॉन्टेक्ट फॉर ऑल बिग शोज इवेंट एंड वेडिंग कॉन्टेक्ट नंबर 9412877977 9837034025। रजा एक्शन कमेटी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। फ्रांस को लेकर रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि फ्रांस ने जो कृत्य कार्य किए हैं यह बहुत गलत हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से फ्रांस का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि फ्रांस के खिलाफ सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी। वहीं उन्होंने मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाजार में भीड़ भाड़ हो रही है और बिहार में रैलियां हो रही हैं, उसी तर्ज पर हम लोगों को पहले की भांति मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन, हर सपना अब हमारा अपना। गली मर्दान बड़ा बाजार बरेली, दूसरी ब्रांच जीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास बरेली। कॉन्टेक्ट 9897264510 9557384808। नाम आपका? शहजान नजर तहसीनी। क्या कहना चाहते हैं? आज ऑल इंडिया रद्द एक्शन की कमेटी की जानिब से फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट रोक लगाने की मांग कर रही है। शांतिपूर्ण विरोध करना ये हम भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के खिलाफ जो शांतिपूर्ण और पीसफुली प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि कोई मीडिया कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा कि पूरी दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन कहीं पर न किसी गांव में न किसी शहर में न किसी कस्बे में एक रुपए की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। कितनी बड़ी बात है ये। और हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि जब उनके बाबा बच्चियों से रेप करते हैं तो उनके समर्थन करने वाले रोडों पर नंगा नाच करते हैं और गाड़ियों को और कारों को आग लगाते हैं। हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब गाय मांस के नाम पर लोगों की जानें ली जाती हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब कुछ वर्ग के लोग उनको आरक्षण नहीं मिलता तो वो रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि कुछ शरारती तत्व भीड़ में इकट्ठे होते हैं और किसी बेकसूर को बेमजलूम को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के कहते हैं कि नारा लगाओ, अगर नारा नहीं लगाओगे तो तुमसे को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान फ्रांस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि उसने हमारे हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया ऐसे सामाजिक सोच का बहिष्कार करे जिसने कार्टून बनाया है। और हम भारतीय गवर्नमेंट से यह अनुरोध करते हैं कि वो भी इसमें हमारा साथ दें और हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात ऑल इंडिया रद्द एक्शन कमेटी ये उठाती है कि मस्जिदों में नमाजियों के लिए छूट दी जाए, नमाज पढ़ने की पूरी छूट जो पहले से दी जाती थी वो दी जाए, क्योंकि बाजारों में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, शादी हॉल में कितनी भीड़ है, बिहार में रैलियां हैं, बिहार में वोटों की रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं आ रहा। इसलिए गुजारिश है कि नमाजियों को नमाज में छूट दी जाए।
अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। जो कुछ बात है जो सामने रखी गई, अभी फैजान रजा ने भी कुछ बातें की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साफ साफ कि हमें अधिकार है विरोध करने का हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो कार्टून बनाया गया है। हमारा दिल दुखा है और किसी का दिल दुखना दुखाना ये मुनासिब नहीं है, चाहे वो कहीं का भी राष्ट्रपति क्यों ना हो। हमें अधिकार है, हम राष्ट्रपति हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारे इस अधिकार को ना छीना जाए। और रही बात नमाजियों की, तो सारे बाजार खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, हॉल खुल चुके हैं, तो क्यों ना नमाज पढ़ने की इजाजत मस्जिदों में दी जाए मुकम्मल तौर से। बात यह है कि उसमें भीड़ नहीं लगती, बावजू आदमी जाता है, साफ सुथरा जाता है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और दुआ मकबूल करता है, मेरा रब तो ये बीमारी भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान से इसका खात्मा होना है तो हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो इस चीज का भी खात्मा होना है। हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी इबादत करते हैं, हम ये नहीं कहते मस्जिदें, जो भी इबादत गाहें उन सारी इबादत गाहों को खोल दिया जाए, उससे लॉकडाउन हटा दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अम्बे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर। अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस सोफिटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। बच्चे का अंग भंग कराने के विरोध में हिंदू समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। थाना सीबीगंज में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ मुस्लिम समाज के युवक ने प्रेम विवाह किया था, जिसको युवती के परिवार वालों ने मान लिया था, लेकिन जब युवती के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसका अंग भंग करा दिया, जिसको लेकर हिंदू समाज में वह नहीं है। उनका मानना है कि हमारे समाज में इस तरह का कोई नियम नहीं है, जिसको लेकर युवती के परिवार वाले हिंदू संगठन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले की जानकारी एसएसपी को दी है। एसएसपी रोहित सचवान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर जांच की जाएगी। ये है कि उन्होंने इनके बच्चा है जो कि, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं जी, और ये हम दलित समाज से हैं जी, तो इनके बच्चे का उन्होंने अंग भंग कर दिया है, इसके लिए हम एसएसपी साहब से भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, क्यों? ऑब्जेक्शन ये कि जब उसने मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अख्तियार कर लिया है, हिंदू धर्म में शादी की है, तो हमारे यहाँ अंग भंग की प्रथा नहीं है। अच्छा, ये गलत है। हमने कहा इसमें धारा 326 लगनी चाहिए थी, उन्होंने 324 लगाई हुई है, अभी विवेचना को दिया हुआ है, फर्स्ट सीओ को देखने हैं विवेचना के बाद क्या होगा। अगर विवेचना से हम लोग संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। जिस महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो कैसे, क्या उसकी थोड़ी सी रूपरेखा क्या है बताएं जरा, कैसे वो धर्म में परिवर्तित हो गए? मतलब क्योंकि प्रेम विवाह किया हुआ है हमारे दलित समाज के व्यक्ति से जी, और वो मुस्लिम समाज से है, हमने उसे अपनाया हुआ है जी, और उसका क्योंकि बच्चा इस बीच हुआ, इन लोगों ने उसको, हमारे जो दलित समाज का बच्चा है उसको जेल में भिजवा दिया है, सब कुछ इधर उधर गड़बड़ करके, और वो बच्ची क्योंकि माँ के पास चली गई थी तभी वो बच्चा उसका वहाँ पैदा हुआ और इन्होंने वहाँ उसको अंग भंग करवा दिया। थाना, थाना कौन सा है? अभी आप एसएसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है अभी जांच करवा रहे हैं और सीओ फर्स्ट को दी हुई है, और जैसे जांच का जो आता है इसे फिर हम लोग देखेंगे। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली स्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार, बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.barelyservices.com पर जाएं। आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में होली चौराहा संजय नगर पर महाराष्ट्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें प्रमोद रघुवंशी, सतीश गुप्ता, बंटी ठाकुर, राजीव कश्यप, कार्तिकेय पारस सिंह आदि ने कहा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है वह निंदनीय है और इसका हम सब विरोध करते हैं।
शशि ठाकुर है और जिस तरह से आज अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है और वह एक निंदनीय है। भारत सरकार ने जो काम किया है एक लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है और ऐसी सरकार से उम्मीद नहीं थी कि एक पत्रकार को इस तरह से अपनी बात अगर सच्ची बात वो कह रहा है और अपनी बात को रख रहा है किसी माध्यम से तो उसकी गिरफ्तारी की जाए, ये निंदनीय है और ऐसी सरकार से हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार तुरंत इस्तीफा दे और अर्णब की तुरंत रिहाई हो। क्या नाम आपका? मैं प्रमोद रघुवंशी। आज देश में हमें ऐसा नजर आ रहा है कि आपातकाल लग गया है। एक पत्रकार अपनी सच्ची आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र होते हैं। एक चूल्हा पुलिस प्रशासन के लिए उसके पीछे लगा दिया जाता है और आज हमारे देश में बहुत दुखद बात है कि मीडिया कुछ पड़ों में बट गई है। जब आज के दिन मीडिया के लिए एक होना चाहिए और एक होते हुए मीडिया को साथ होकर आवाज उठाना चाहिए कि किसी एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है कल किसी दूसरे के साथ भी होगा। मेरी आपके माध्यम से ये विनती है राज्य सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से कि अर्णब को तुरंत रिहा किया जाए। ये सच्ची पत्रकारिता पे जो बैन लगाया जा रहा है ये गलत है। हमारे देश का ये हनन है, हम सब आम जनता का हनन है जो कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और महाराष्ट्र सरकार से हम सब संजयनगर के देशवासी सभी आम जन हम लोग ये अपील करते हैं कि अर्णब को तुरंत रिहा कराया जाए, तुरंत रिहा कराया जाए अर्णब को। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है जिसको लेकर किसान बहुत परेशान हैं। उनका मानना है कि सरकार किसानों की सरकार है लेकिन किसानों के हित में खरी नहीं उतर रही है। इसी के चलते भारतीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की है कि किसानों के हित में सरकार कार्य नहीं कर रही है तो संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार किसानों के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। हमारी ये मांगे हैं सात सूत्रीय ज्ञापन हमने सौंपा है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के। इसमें सरकार बिल्कुल किसानों के हित में काम करने के लिए विफल है। जो पंजाब की भांति पंजाब सरकार ने जो किया है और राजस्थान में जो हुआ है, अभी अध्यादेश लागू हुआ है, उसी तर्ज पर चूँकि सरकार एक है पूरे भारत में समान लाभ कानून जो है लागू होना चाहिए, समान कानून लागू होना चाहिए। दूसरे सरकार हर मुद्दे पर विफल है। हमारे जो पत्रकार बंधु के लिए कभी जो घटना हुई है मुंबई में वो भी बहुत निंदनीय घटना है क्योंकि पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं और मतलब हर सुख दुख की घड़ी में और जनता के बीच में अपनी जो बात होती है सच्चाई से मतलब पेश करते हैं। ठीक है डॉ, बोला क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया डीएम साहब ने, बोला कि ठीक है हम कार्रवाई करवा। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में। पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। राष्ट्रीय अति पिछड़ी जनजाति के पदाधिकारी ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की है कि हमारे समाज की लगातार अवहेलना की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी ने बताया। महेश कटहरी नाम है मेरा। कटहरी क्या कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो SC ST OBC के खिलाफ जो बराबर हत्याएं हो रही हैं सरवण द्वारा, हम इसके खिलाफ बराबर प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, ज्ञापन देंगे। ये हम चाहते हैं कानून व्यवस्था इसमें लागू होना चाहिए। जो कानून के नीचे बराबर हत्याएं हो रही हैं
वो कानून कुछ कर नहीं रहा, प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। लोग हमारे लोग मतलब बराबर थानों के चक्कर लगा रहे हैं, अपने अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, हमारे लोग सुना ही नहीं जाता है और उठा उन्हीं को बंद कर दिया जाता है। इसके खिलाफ हम चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने ज्ञापन लिया उन्होंने और कहा आगे कार्रवाई। RGYS ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय जगत पत्रिका का विमोचन। RGYS ग्रुप द्वारा संचालित सामाजिक संस्था राष्ट्र जागरण युवा संगठन के 6 वर्ष पूर्ण होने पर एवं मीडिया जगत में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्र जगत पत्रिका का विमोचन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्ष अमित भारद्वाज, पत्रिका निर्देशक एवं कार्यक्रम संयोजक सौरभ शर्मा, पत्रिका संपादक के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आशीर्वाद वचन में स्वामी राम सेवक चंद्रमणि का प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार, शहर विधायक नीता अहिरवार, बाल विकास अधिकारी, वरिष्ठ अतिथि अतुल कपूर, राष्ट्रीय संरक्षक धर्मेंद्र सक्सेना, पवन सक्सेना आदि रहे। स्वागत अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत गरीबों को बांटे गए कपड़े और खिलौने गुरुवार को छोटी बिहार में गरीब बस्तियों में सामाजिक संगठन के माध्यम से कपड़े, खिलौने, किताबें, कॉपी का वितरण किया गया। संगठन के द्वारा सामान वितरण करने के बाद लोगों के चेहरे खुश नजर आए। मेरा नाम हिमालदा परवीन है, मैं आज़ाद हेल्थ सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, हमारे योगी जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसी के अवदान उत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हम यहाँ पर 2 तारीख से लगे हुए हैं, लोगों कपड़े बांट रहे हैं लगातार, और 10 तारीख तक हमें इन गरीब बस्तियों में आकर इन सब बच्चों को कपड़े दिए जा रहे हैं आज, और हम आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। सोसाइटी की मंत्री, मैं यहाँ से 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इस कार्यक्रम कर रही हूँ, कपड़े बांटने का, दान उत्सव करने का, इसका प्रोग्राम गाँव जाकर लोगों को मैं नहीं कहीं सब लोग। मैं फरहनाज, मैं यहाँ आज़ाद बेहतर सोसाइटी के साथ लोगों के साथ जुड़ी हूँ और हम 2 से लेकर 10 तक कार्य कर रहे हैं, दान उत्सव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे भी करते रहें और अपने और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहें कि और लोग हमारे साथ जोड़े। आज इन बच्चों की खुशी देख के हमें अंदर से खुशी हो रही है, इतना एक्साइटमेंट इन बच्चों को देख कर दिल खुशी हो रही है कि आगे भी हम इन बच्चों के साथ और इन लोगों के साथ कुछ ऐसा करें जो इन लोगों को भी खुशी मिले, हमें भी खुशी मिले।